జమ్మూలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రారంభమైంది. జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా, కేంద్ర టూరిజం మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి, టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి, ఇతర ప్రముఖులు ఆలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. జమ్మూలోని తావి నదీ తీరంలో టీటీడీ ఆలయం నిర్మించింది. ఉదయం 7:30 నుంచి 8:15 మధ్య ఆలయంలో మహాసంప్రోక్షణం నిర్వహించారు టీటీడీ వేద పండితులు. ఉదయం 9:30 నుంచి భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం కల్పించారు. సాయంత్రం 5:00 శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు. नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इस निर्माण, इस मंदिर के निर्माण में लगे श्रमिक भाई बहनों को भी प्रणाम करता हूं। शेषाचलम पर्वतों से भगवान वेंकटेश्वर शिवालिक की पहाड़ियों तले स्वयं जम्मू कश्मीर वासियों के कल्याण के लिए आए। यह एक अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ तथा मां शारदा के ऊर्जा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में भगवान वेंकटेश्वर के चरण रज सभी सर्वजन के कल्याण हेतु पड़े हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल भावना से देख रहा हूं इस पवित्र मंदिर के निर्माण हेतु टीटीडी बोर्ड ने जो काम किया है उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं मानता हूं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है उतना ही चैतन्य का भी विकास हुआ है। जिस प्रकार तीसरी शताब्दी में निर्मित तिरुपति बालाजी के मंदिर से वैश्विक मानव चेतना को नई दिशा मिली, उसी तरह मंदिरों के शहर जम्मू तथा अध्यात्म की तपोभूमि जम्मू कश्मीर को विकास के महायज्ञ में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मित्रों, अभी 5 तारीख को माँ शारदा के मंदिर में जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा की। 6 तारीख को ठीक इसके बगल में 51 करोड़ रुपए की लागत से बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए यात्री भवन का निर्माण ONGC के सहयोग से शुरू।